हाय स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू बैक एग्जाम स्टडी डॉट कॉम। आज ये तीसरा वीडियो है अप्रॉक्सीमेशन पे। पिछले कुछ वीडियोस में मैंने डेटा इंटरप्रिटेशन शुरू करवाया, टाइम एंड वर्क करवाया, पाइप्स एंड सिस्टम करवाया, तो मुझे ये देखने को मिला है कि स्टूडेंट्स को अप्रॉक्सीमेशन की टेक्निक यूज करने में प्रॉब्लम है। मैंने एस्टिमेशन तो सिखाया आपको, लेकिन जब आपने ये टेक्निक यूज की एक्चुअल एग्जाम टाइप के क्वेश्चन में, तब आपको प्रॉब्लम हुई। बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हुई कि कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है, हमारी एक्यूरेसी नहीं आ रही। ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया, मेल किया, उन्होंने ये बोला कि सर ये एस्टिमेशन की टेक्निक यूज़ करके एक्यूरेसी बहुत कम आ रही है। तो आज ये वीडियो में मैं 5 क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करूंगा, 6 एक्चुअली 6 क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करूंगा जिससे कि आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव होगी। थोड़े लेंथी क्वेश्चन होंगे, थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे, एग्जाम लेवल के क्वेश्चन होंगे, IBPS PO लेवल के क्वेश्चंस होंगे जो भी मैं करवाने वाला हूँ। यहाँ पे एक चीज़ करने स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूँ कि एक्यूरेसी जो है पूरे क्वेश्चन की, अगर मान लीजिए एक चीज़ यहाँ पे, एक पॉइंट बहुत ध्यान देने वाला है और एक लंबा सा क्वेश्चन है, अगर 298 इसको मान लीजिए मुझे 128 से मल्टीप्लाई करना है। मान लीजिए अगर यहाँ पे मैं 300 मल्टीप्लाइड बाय 130 ले लूँ तो मेरे आंसर में कितना डिफरेंस आ जाएगा, ये देखिए। कम से कम ये देख लीजिए, 300 प्लस 300, अगर मैं 298 को 300 तक ले गया, तकरीबन 600 का डिफरेंस मेरा यहाँ आ गया, इसने पकड़ लिया, और 260 का डिफरेंस मेरा आया, मेरा तकरीबन 860 का डिफरेंस आ गया। अगर जो मेरे आंसर थे उसमें 100, 200, 300, 200 और 200 का डिफरेंस होता तो मैं गलत ऑप्शन टिक करके आता। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये वाली जो चीज़ है, ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको आइडेंटिफाई करवाना सिखाऊंगा, जहां पे एक्चुअली आपको पूरा डिटेल्ड में आंसर निकालना है। अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करना है, लेकिन कुछ एक कैलकुलेशंस में आपको डिटेल्ड में आंसर निकालना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है रमनदीप सिंह, एंड अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। IBPS मेगा प्रिपरेशन सीरीज, IBPS PO की मेगा प्रिपरेशन सीरीज है जो, उसका आज 12वां दिन है और आज हमने 3 इंग्लिश की वीडियोस बनाई हैं जो कोर्स में अवेलेबल हैं, IBPS PO मेगा प्रेप कोर्स में अवेलेबल हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक लेक्चर था जो शेयर करना बहुत जरूरी था आप स्टूडेंट के साथ। पहला क्वेश्चन देखिए एक बार, तो फालतू की बातें अभी एक दिन आराम से बैठ के करेंगे लाइव सेशन में। तो ये देखिए, अभी इस क्वेश्चन में अगर मुझे अप्रॉक्सीमेशन यूज, एस्टिमेशन यूज करना हो, मुझे कैलकुलेशन कम करनी हो, तो मैं रिस्क कहाँ ले सकता हूँ? रिस्क देखिए आप कहाँ ले सकते हैं। मेरे इधर आंसर में अगर आप ध्यान से देखें, 48,500 के तकरीबन एक नंबर है, 55, 58, 40, 35 नंबर्स में खासा डिफरेंस है, 5,000-5,000 का डिफरेंस है। ये एक्चुअल एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, 5,000-5,000 का डिफरेंस है। आई थिंक ये मैंने उठाया है क्वेश्चन अपनी साइट से ही उठाया है, SBI PO में आई थिंक ऐसे 2-3 क्वेश्चन आए थे और एक दो और एग्जाम्स में आए थे, हमने डाले थे सॉल्व करके, तो उसी में से मैंने ये उठाया है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं, 472 मल्टीप्लाइड बाई 101। अभी इस चीज़ को ध्यान से देखिए, आपका पूरे का पूरा क्वेश्चन तकरीबन आपको एक आइडिया यहीं पर आ जाएगा। अगर आप 472 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर जो है वो सीधा सीधा आप कह लीजिए 472 का डिफरेंस वो आपने स्टार्टिंग में ही बना लिया। लेकिन 472 के डिफरेंस से इतना फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपके जो आंसर्स हैं वो तो 4-4, 5-5 हज़ार दूर हैं। तो यहाँ पे अगर मैं पहली नज़र में आंसर देखूँ तो ये देखिए, इसका मैं देखूँ तो जी मेरा 47,200 अगर मैं पकड़ के चलूँ, प्लस 500 मैं इसका पकड़ लूँ, 47,500 मेरा आ जाता है। तकरीबन 100-150 का डिफरेंस जाने दीजिए क्योंकि 5-5 हज़ार का डिफरेंस है आंसर्स में। 337 है प्लस 472 है, इसमें मैं क्या करूंगा, मतलब देख के मैं आंसर निकालने की कोशिश करूंगा। सीधा मैंने यहां से देख लिया, ये देखिए मैंने हिस्सों में बांट लिया, इसको तो मैंने देख लिया जी 47,200 प्लस 500, 47,500 मेरा ये आ गया, 437 और 8 लगा लीजिए, चलिए 800 ये आ गया, ये प्लस करना था मुझे,
और ये तो बहुत छोटा सा नंबर है, इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 5-5 हज़ार का डिफरेंस है, इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत ही नहीं है जी। इसको छोड़िए, इसमें माइनस ज्यादा ज्यादा 70-72 का होगा। अभी अभी दूर दूर से अगर मैं इशारा देखूं इसका, 48, 48 हज़ार, 48 हज़ार के तकरीबन तकरीबन कौन सा मेरा आंसर है, ये देखिए, ये लीजिए मैंने कितना पेन यूज किया। अब मैंने जबकि आपको समझाया है क्वेश्चन, मैंने पेन का बहुत कम इस्तेमाल किया। आप ये जो टेक्निक है ये पेपर में इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, देखने में क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन कुछ भी नहीं है इसमें, ये था गया। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या करता, ये देखिए इसको मैं क्या करता, सीधा सीधा मैं बिना देखे, मतलब बिना इसको पेन को यूज किए मैं दूर से देखता कि जी 472 को 101 से मल्टीप्लाई किया हुआ है तो जो 47 200, 47,500 तो यहीं पे है, 47,500 में जी 500 700 800 प्लस कर दिया, 48,300 है और उसमें से मतलब इतना को माइनस कर दो 100, 48,200 300 मेरा आंसर होगा, ये 48,400 मुझे मिल गया आसपास, चलिए ये मेरा आंसर है, कुछ करने की जरूरत पड़ी नहीं। यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है, अगर ऑप्शंस में कुछ ऐसे पंगा होता, 48,447 होता, फिर 48,000 होता, फिर 47,000 होता, 47,500, ऐसा कुछ पास पास ऑप्शन होती तो ये जो मैंने चीज करी है, 472 को 100 से मल्टीप्लाई किया, फिर 472 ऐड किया, 470 ऐड किया, वो इसलिए किया है, अगर ऑप्शन पास होती तो ये चीज काम आती क्योंकि हमें एग्जैक्टली आंसर पता चल जाता कि 48,300 400 के तकरीबन आंसर है। अगर अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है तो 500-700 का डिफरेंस उसमें होना बनता है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपको पेपर, चाहे SBA का पेपर है, आपको ऐसे डाल देते हैं, ऐसे डाल दिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन काम नहीं करेगी, यहाँ पे तो फिर एग्जैक्टली निकालेंगे। बट यहाँ पे अगर मैं इस क्वेश्चन को एग्जैक्टली देखूं ध्यान से, अगर इसमें थोड़ी सी ऑप्शन 48,000 की ऑप्शन भी आ जाती फिर भी मेरा आंसर एग्जैक्टली आ जाता क्योंकि मुझे पता है 47,500 तो मेरा इधर ही आ गया और 800 इधर प्लस हो गया, तो सवाल ही नहीं उठता ना, सिर्फ 48 का तो सवाल ही नहीं उठता, मुझे एग्जैक्टली पता था मेरा आंसर 48,000 के तकरीबन तकरीबन आएगा, तो इसको मैं टिक करता और आगे चलता हूँ। आपको इस चीज का ध्यान देखना है, इसको क्वेश्चन को एक बार छोड़िए, इस चीज का ध्यान देखना है, क्वेश्चन देखना आपने, पूरी क्वेश्चन की इक्वेशन पढ़नी है आपने, देखना है कि यार इसमें पहले 10 सेकंड दे क्वेश्चन को कि यार कौन सी गलती करने से मेरे क्वेश्चन, मेरा आंसर गलत आ सकता है, आपको 5 सेकंड में पता चल जाएगा। इस क्वेश्चन को देखने से मुझे 5 सेकंड में, 1 सेकंड में पता चला कि यार 472 को अगर मैं 101 की जगह 101 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा तो सीधा सीधा 472 से दूर चले गया ना मेरा आंसर। अगर यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 103 होता, 472.05 मल्टीप्लाइड बाय 103 होता और आप इसको 100 बना लेते कि मैं जी 472 को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आपका आंसर जो है वो तो तकरीबन आप कह लीजिए 1400 दूर चले गया, 1400 का डिफरेंस, तो फिर तो आपका आंसर गलत होने के चांसेस बहुत बढ़ गए ना। चाहे ये 48,000 है और ये 40,000 है, राइट, और मान लीजिए कोई ऑप्शन यहाँ पे 46,000 की होती और आपने 1400 का डिफरेंस पकड़ लिया और यहाँ पे एक 49,000 की भी ऑप्शन होती, और अगर आप इतने बड़े बड़े एरर करेंगे, इतना कम आप कह लीजिए अपना एक्यूरेसी रखेंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। आपने देखना, आपने एक्यूरेसी थोड़ा बढ़ा के रखने की आदत डालनी है, जहां पे डिफरेंस जो है ज्यादा हो सकता है, 472 मल्टीप्लाइड बाय 3 आप कह लीजिए, अगर 1500 2 इतना डिफरेंस आपका आता है आंसर के रिलेशन में तो वो कम करने की कोशिश कीजिए, एरर आपने कम करना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अभी ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, अभी आपने क्या देखना क्या है, पूरी इक्वेशन में आपने देखना है ऐसा कौन सा पार्ट है जिससे मेरे आंसर में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ सकता है। अभी ये देखिए, अभी सब में 100 से, अभी ये जो नंबर्स हैं ये थोड़े आसपास हैं, बाकी काफी दूर हैं, 400 का डिफरेंस है, इसमें भी चाहिए 100 का डिफरेंस, तो चलिए इसमें भी है, इसमें आप अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा मैं आपको इसका मतलब बता देता हूँ, 22.9 ऑफ 8490 डिवाइडेड बाय 30, इसका मतलब सीधी सीधी ये बात ये है, इसको चाहिए रहने दीजिए, तो अब इसको देखिए, ऑफ को घटा के मल्टीप्लाई करना, अभी 22.9 है और 23.1 है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसको 23 मान के हम इसको काट सकते हैं, राइट। यहां पे अगर मैं 8490 को 8500 भी अगर मान लूं तो आंसर में मेरे कुछ ज्यादा डिफरेंस आएगा नहीं, अगर मैं इसको 8500 भी मान के चलूं तो मेरे कुछ
आंसर में ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। और अगर इनकी बात करूं तो ये देखिए यहाँ पे -37 है, ये कुछ ज्यादा डिफरेंस डालने नहीं वाला है। प्लस ये देखिए यहाँ पे इस चीज को ध्यान दीजिए, ये एक बड़ा नंबर है, यहाँ पे बड़े नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है 4250। अगर 4250 का हाफ भी अगर आप देखें तो भी 2100-2500 बनता ही है। अगर आप हाफ का भी गलती करते हैं तो आप आंसर से बहुत दूर चले जाते हैं, आपने दूर नहीं जाना है आंसर से, इसको एग्जैक्टली सॉल्व करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए आंसर में 300-400 का डिफरेंस है, 4250 का 10% भी 42 बन जाता है। अगर आप 10% भी दूर चले गए, 17 की जगह आपने 20 पकड़ लिया, तो भी आप आंसर से बहुत दूर चले जाएंगे। इसलिए ये वाले पार्ट को आप पूरा अच्छे से सॉल्व करेंगे। 25 से वैसे भी डिवाइड हो रहा है, ये देखिए 25 एक का 25 और उसके बाद बचा कितना अपना 15 और 2 17, 175 बचा है, तो 7 0। अभी 17 का स्क्वायर कितने लोगों को आता है? मैंने आप सब लोगों को बोला है कि कम से कम 25-30 तक के आप स्क्वायर याद कीजिए। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, कम से कम 30 तक के टेबल तो याद कर लो, 30 तक के टेबल कर लो, कम से कम 25 तक के स्क्वायर याद कर लो, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो इसका देख लेते हैं, 289 होगा आई थिंक 17 का स्क्वायर जहां तक मुझे पता है। देखिए मेरी मेमोरी भी बहुत वीक है, मैं लॉजिक से चलता हूं, लेकिन कम से कम मेरा इतने सालों के बाद 20-25 तक के 30 तक के स्क्वायर और क्यूब्स और क्यूब रूट इतने थोड़े से आप क्लियर करके चलिए। इसमें आप प्लस है 323, तो इसको ध्यान से देख लेते हैं। तो अभी यहाँ पे देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन था, अभी कुछ बचा नहीं है, एक मिनट के अंदर अंदर आप इसको कर सकते हैं। अभी 25-3 तो यहाँ पे आ गया 10 और 100, जब 340 के तकरीबन आ गया अपना, ठीक है। अभी कुछ भी नहीं बचा है क्वेश्चन में, अगर मैं ध्यान से क्वेश्चन को देखूं, ये 289 मल्टीप्लाइड बाय 17 भी था, 289 तो यहाँ पे पड़ा हुआ, तो एक सेकेंड 289 और एक जीरो भी था ये वाला। तो अभी देखिए जो हमारा क्वेश्चन है वो कितना आसान हो गया, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन का बेस है, ये वाला जो नंबर है, ये वाला जो नंबर पार्ट था, ये हमारे पूरे क्वेश्चन का बेस है। 2890 में मैं प्लस कर लूंगा जी, 340 में से 37 माइनस 300 रह गया, ये पूरा मेरे दिमाग में ही कर लेना है, 300 प्लस 323 623, अभी 2890 2900 पकड़ लें, इसमें आप कर लें 600 ऐड कर लें, मतलब तकरीबन तकरीबन जहां पे आपका 3500 का आंसर है, 3500 से 3600 के बीच में मेरा आंसर होगा, और ये मेरा ये रहा। कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, ये आपका आंसर निकल जाता है, टिक कीजिए और आगे जाइए। एग्जैक्टली करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आपके आंसर में इतना डिफरेंस है तो एग्जैक्टली क्यों करना है। अभी ये क्वेश्चन देखिए, इसके आंसर्स पहले देखिए, ऑप्शंस देखिए, पेपर में ऑप्शन नहीं देखनी, पेपर में इक्वेशन देखनी है, मैं समझाने के लिए बात कर रहा हूं। इसके आंसर्स में 3000 का यहां पे डिफरेंस है, 3 का यहां पे डिफरेंस है, यहां पे सिर्फ 800 का डिफरेंस है, ये कंफ्यूज कर सकता है, बाकी 3000 का यहां पे डिफरेंस है, और इसमें सिर्फ 190 का डिफरेंस है, तो ये बहुत क्लोज चल रहा है, फिर भी कोशिश करते हैं इसको। ये 3780 है, अगर मैं 3780 को अगर 3800 भी ले लूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये सीधा चलेगा। लेकिन ये वाली इक्वेशन देखिए, अगर मैं 325 को 40 से मल्टीप्लाई करता हूं, यहां पे मेरा कितना वेरिएंस आ गया। पहला तो आप कह लीजिए कि यहां पे हाफ का मतलब 150-160 का वेरिएंस तो मैंने यहां पे पकड़ लिया, क्योंकि जब मैंने 40.57 को 40 लिया तो मेरा इतना वेरिएंस तो आ गया, 160 का वेरिएंस मैंने पकड़ लिया पहले से, और 79 को मैंने दूर करने के लिए यहां पे 30 का वेरिएंस कम से कम तकरीबन मैंने 200 का वेरिएंस, इस चीज के कारण मेरा 200 का वेरिएंस आंसर में आएगा। और क्वेश्चन करने से पहले ये मैं दिमाग में रखूंगा कि भाई मेरा 200 का वेरिएंस आएगा, अगर एंड में मेरा 200 का डिफरेंस अगर आता है तो ये चीज मैं ध्यान से रखूंगा, क्योंकि देखिए ये दो ऑप्शन है, अगर एंड में मेरी ये दो ऑप्शंस फंसती हैं भी 19690 और 19500, ये वाली ऑप्शन में अगर मैं फंस जाता हूँ यार ये आंसर है मेरा, तो मैं ये 200 ये जो चीज है इसको मैं फिर से दिमाग में लाऊंगा कि यार हाँ मेरा 200 का वेरिएंस था, 200 मैंने आई थिंक कम ले लिया था, राइट। मेरा आंसर जो अभी एंड में निकला है, मेरा एक्चुअल आंसर जो एंड में निकला है, एक्चुअल आंसर इसे 200 ऊपर होगा, समझ रहे हैं। एस्टिमेशन लगाना है दिमाग के साथ, दिमाग लगाना है, दिमाग मल्टी डायमेंशनल चलेगा, 3D 4D चलना चाहिए आपका दिमाग।
360 डिग्री दिमाग चलाइए, अभी पेन कम चलाइए दिमाग ज्यादा चलाइए, इसको सीधा 3800 लीजिए, सिर्फ 20 का वेरिएंस है, 20 के वेरिएंस से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, और 3800 यहाँ पे पकड़ लिया और 325 को 40 से मल्टीप्लाई करना है, सीधा सीधा क्या है 325 का डबल जो करूंगा मैं दिमाग में ही 650 का डबल करूंगा 1300 आ जाएगा, और 1300 में मैं क्या करूंगा कि जी मेरा 200 का डिफरेंस था, 1300 200। अभी इसका स्क्वायर रूट निकालने की ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि 7 का स्क्वायर आप क्यू स्क्वायर रूट जो है वो 7 होता है, अभी 51 का पॉइंट में कुछ डिफरेंस आएगा, पॉइंट का यहाँ तो बात ही नहीं है, पॉइंट की कुछ मतलब ही नहीं बनता, छोड़िए इसको। 27 है, 27 का मल्टीप्लाइड बाय 10 270 होता है, और फिर से उसमें 60 ऐड कर दीजिए, तकरीबन अब कह लीजिए 320-330 के तकरीबन 10 का कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, माइंड में करके मैंने 320 लिख लिया, प्लस ये भी आई थिंक 8 का बनता है, तो ये प्लस है ये माइनस है, इसको काट दीजिए, इसको भी काट दीजिए। तो यहाँ पे अगर मैं आंसर देखूँ अपना, 1300 200 है, इसमें 3800 ऐड करना है, तो मेरा बन जाएगा 6-7-17,000 में से 320 मुझे माइनस करना है। अभी मैं देखूंगा यार मेरा 16,500 कह लीजिए 16,700-800 के तकरीबन 700-800 के तकरीबन क्या मेरा आंसर अगर होना चाहिए, ऐसा कुछ अगर है तो मेरा आंसर है वो और बात खत्म, और 16,900 है, और बाकी की जो दूसरी ऑप्शन है वो 800 दूर है, मैंने एक्यूरेसी बहुत हाई रखी है टाइम कम यूज करते हुए, तो ये मैं आंसर टिक करके घर आ जाऊंगा। अगर ये मेरा आंसर होता 19,500 और 19,690 अगर मैं इस आंसर के तकरीबन होता तो ये क्वेश्चन डिफिकल्ट था। यही क्वेश्चन अगर इसकी ऑप्शंस 500, 16, 800 होती तो ये क्वेश्चन डिफिकल्ट था, तो आपको एग्जैक्टली करना पड़ता है, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, एक्यूरेसी वेरी हाई रखनी पड़ती, लेकिन अभी इसमें 800 का डिफरेंस दिया है तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। जब भी कभी अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन आता है SBI में IBPS में किसी भी एग्जाम में तो वो कह लीजिए काफी डिफरेंस देते हैं ऑप्शंस में, मैंने कभी नहीं देखा कि 50 का ऐसे क्वेश्चंस में बहुत कम डिफरेंस हो, 3-4% का डिफरेंस हो, 5% का डिफरेंस होना बिल्कुल बिल्कुल अब एक्सपेक्ट कीजिए, इतना तो एक्सपेक्ट कीजिए। इस क्वेश्चन को देखिए, आपने मेरी क्यूब रूट वाली वीडियो देखी थी पिछली कि क्यूब रूट जल्दी जल्दी कैसे निकालते हैं, मैंने छोटी सी वीडियो बनाई थी एक आई थिंक 6-7 मिनट की, जिसपे मैंने अपनी सिंपल सी टेक्निक, आई थिंक आप में से काफी सारे लोगों को पता होगी, लेकिन अगर आपको अभी तक नहीं पता है तो पता होनी चाहिए, आप 80-90-100 का मतलब 80-85-100 ऐसे नंबर्स के, अगर मैं आपको पूछूं 84 का क्यूब रूट क्या है आपको नहीं पता होगा, 84 का क्यूब क्या है, 97 का क्यूब क्या है आपको नहीं पता होगा, कम से कम एक आइडिया तो लाइए, आइडिया होना जरूरी है। अगर यहां पे अगर मैं ध्यान से देखूं वही वाली टेक्निक के साथ 3 का 7 बन जाएगा और ये इसका तकरीबन 87, ये मेरा अब कह लीजिए क्यूब है, क्यूब रूट निकल गया 87 मेरा क्यूब रूट निकल गया। अब मैंने क्या किया आपके सामने 2 सेकंड में ये निकल सकता है, इसका अगर मैं देखूं तो 1 का 1 ही रहेगा, ये इसका 9 बन जाएगा, ये इसका क्यूब है। कितनी आसान टेक्निक है माइंड में, अगर मुझे पेन यूज नहीं करना होता तो मेरे माइंड में मुझे पता होता 87 यहाँ 91 यहाँ है, दैट्स इट। अगर आपको क्यूब और क्यूब रूट याद नहीं है तो आप कैसे एस्टीमेट लगाएंगे कि यार इतने बड़े नंबर का क्यूब ये आएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा अगर आपने क्यूब रूट या स्क्वायर कुछ भी नहीं किया, स्क्वायर रूट याद नहीं किया, क्यूब रूट की टेक्निक नहीं सीखी, तो प्रॉब्लम हो जाएगी एस्टीमेशन में, अप्रोक्सीमेशन में जगह जगह क्वेश्चन आते हैं और आप ऐसे क्वेश्चन से 5 मार्क्स से आप हाथ धो बैठेंगे, कई बार ऐसे एक एक मार्क से लोग फेल हो रहे हैं, आधे मार्क से फेल हो रहे हैं, आप एक मार्क भी मिस नहीं कर सकते, कंपटीशन बहुत ज्यादा तगड़ा कंपटीशन है। तो 87 यहां पे आ गया, अभी ध्यान से देखिए यहां पे ऐसा कौन सा पार्ट है इक्वेशन का जिससे मेरा जो पूरा क्वेश्चन है वो हिल सकता है, ज्यादा एरर आ सकता है, मल्टीप्लीकेशन पे मैं ध्यान दूंगा, अगर मैं यहां पे थोड़ा सा भी एरर करता हूं, यहां पे मैं थोड़ा सा भी एरर करता हूं तो मेरा आंसर बहुत दूर चले जाता है, तो इसलिए मैं इसको क्या करता हूँ 29.63 को मैं 30 मान लेता हूँ और इसको मैं 150 मान लेता हूँ, फिर भी अगर मेरा एरर यहाँ पे आप कह लीजिए कि आ ही जाएगा, फिर भी 50 का एरर वहाँ पे और कह लीजिए कि मेरा 60-70 का एरर यहाँ पे भी पकड़ा जाएगा, मतलब जो मेरा आंसर अभी आएगा वो 60-70 ऊपर आएगा, जितना आना चाहिए उसे 60-70 ऊपर चला जाएगा,
तो उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आंसर काफी दूर है इनके। अगर 4000 और 3980 के बीच में प्रॉब्लम आती है तो मैं इसको वापस उस पर आऊंगा। तो फिलहाल के लिए इसका 150 को 15 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 45 दो जीरो साथ में पकड़ ली, 4500 आ गया अपना। तो सीधी सी बात है, ये तो अपना सीधा सीधे ये नंबर्स अपने उड़ जाते हैं जो छोटे छोटे नंबर्स हैं। प्लस इसको तो छोड़ दीजिए यार, ये प्लस वन ये क्या है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। और माइनस क्या है अपना 91, तो इसको तो आप भूल जाइए, ये आपका कुछ फर्क नहीं डालने वाला। ना माइनस था, ये प्लस था और ये भी प्लस था, तो 3-4 नंबर का फर्क पड़ा है, तो कुछ खास छोड़ दीजिए उसे। माइनस 20% ऑफ 500 कितना होता है, 20% 500 का 100 ऑब्वियसली। तो 4500 से मैं 100 माइनस करूंगा, मेरा आंसर तकरीबन 4400 आ गया। और जो मेरा एग्जैक्ट आंसर है वो आप कह लीजिए, मैं मुझे ऑलरेडी पता है कि मेरा जो एग्जैक्ट आंसर है वो 60-70 नंबर ऊपर चल रहा है, नॉर्मल से ऊपर चल रहा है। तो 4400 से थोड़ा नीचे होगा तो वो मेरा 4300 है। ये चीज ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है कि मेरा यार नॉर्मल आंसर 60-70 ऊपर है, इतना का अगर आपको आइडिया होगा, क्योंकि पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक जैसे मल्टीप्लाई वाला जो सीन होता है या कुछ ऐसा एक पार्ट इक्वेशन का जिससे फाइनल जो आपका आंसर है ज्यादा डिफरेंस आ जाए उसमें, तो आपको उस पर ध्यान देना है कि यार इसमें मेरा कितना डिफरेंस जो है एक्चुअल आंसर में आ सकता है। यहाँ पे आपका 60-70 का आ सकता था, 4400 से 60-70 नीचे मतलब 4330-40, तो ये इसको मैं आंसर पकड़ के चलूंगा, ये इसको मैं टिक करूंगा और घर आ जाऊंगा। अगला क्वेश्चन कौन सा है मेरा, ये क्वेश्चन को आपने ध्यान से देखना है अभी। ये देखिए, इससे थोड़ा सा मुझे फर्क पड़ सकता है क्योंकि आंसर जितना है मतलब वो सारे का सारा ज्यादातर इस पे डिपेंड करता है थोड़ा सा। ये जो नंबर है वो ज्यादा इंपैक्ट डालने वाले नहीं है। अभी इसको अगर मैं ध्यान से देखूं, 16 × 32 माइनस ये भी 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 है, प्लस कह लीजिए आप 2.5, कुछ इतना छोड़िए यार, इसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ने वाला है। 2 - 4 प्लस, इसको तो आप छोड़ ही दीजिए, इसको आप काट दीजिए यहीं पे, छोड़िए काट दिया। 2 - 4 प्लस 2, ये सारा मैंने इधर से इकट्ठा देख के ये मैंने काट दिया, इट्स गॉन। अभी ये बचता है माइनस 2.11 का 1/3, ये भी छोड़िए, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि आपके आंसर में कम से कम 10-15 नंबर का डिफरेंस वो है, इससे पॉइंटों में फर्क पड़ेगा। 2.11 का 1/3 कितना होता है, छोड़िए 0.75, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला इसके माइनस करने से। तो ये भी मैंने छोड़ दिया और ये भी मैंने छोड़ दिया। और इतना सा क्वेश्चन निकालने से आपका, इतना एक मल्टीप्लीकेशन करने से आपका पूरा आंसर आ जाएगा। 29 का अगर आपको टेबल आता है तो जिंदगी आपके लिए आसान है, साथ से ही कर लीजिए मल्टीप्लाई। अगर आपको 29 का टेबल यहाँ पे नहीं आता है तो आपकी जिंदगी बिल्कुल खराब है। अभी आप इसको देखिए आप कैसे निकालेंगे। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, 29 का अगर 7th मतलब अगर मैं देखूं, अगर 29 का टेबल, मान लीजिए मुझे 29 का टेबल नहीं आता, आप में से कई लोग भूल जाते हैं, एंजाइटी होती है, एग्जाम का प्रेशर होता है कि भाई क्या होता है 29 का 7, तो छोड़िए उसे। मैं क्या करूंगा यार, 29 7 3 7 21 210 में 3 7 21 आ गया मेरा, तो तकरीबन मेरा आंसर जो है 3 7 21 30 × 7 इतना सा तो आपने वेरिएंस लेकर चल रहे हैं, तो बात यहीं पे खत्म हो जाती है। मतलब अगर 30/7 लिया तो मैंने सिर्फ 7 का वेरिएंस पकड़ के चल रहा हूं, सिर्फ 7 का वेरिएंस है, और वैसे भी आपने आंसर में इतना सा वेरिएंस तो पकड़ के चल रहे हैं, इसमें आपका वेरिएंस जो था वो कह लीजिए 7-8 का वेरियंस आपका यहां भी था, क्योंकि 7.25 की जगह आपने सीधा 7 ले लिया है। तो मैं क्या करूंगा, 29 × 7 अगर 29 का टेबल नहीं भी आता, याद कर लीजिए प्लीज, 30-35 तक के टेबल याद कर लीजिए, हाथ जोड़ के आपको विनती करता हूं कि आप 30 तक के टेबल याद कर लीजिए। कंपटीशन बहुत 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 ज्यादा तगड़ा है। आप ठीक है, एस्टिमेशन भी बिना टेबल्स के नहीं होगी, क्यूब रूट स्क्वायर रूट की सारी टेक्निक सीख लीजिए। अगर आपने पेपर में एस्टिमेशन ही यूज करना है उसके लिए भी आपको सारी कैलकुलेशन आनी चाहिए, आपको एक गुरु बनना पड़ेगा, मास्टर बनना पड़ेगा मैथ्स का। तो यहाँ पे मैं 210 को आंसर टिक करूंगा क्योंकि मेरा तकरीबन आंसर ये आ चुका है, एग्जैक्ट मेरा आंसर 210 है एक्चुअली, 3 7 21 और 7 का 8 का वेरिएंस मैं पकड़ के चला हुआ था, तो मेरा आंसर ये आ जाएगा।
210 का मैं आंसर टिक लगाऊंगा और मैं घर आ जाऊंगा, क्योंकि बाकी मेरे आंसर है 210 के तकरीबन कोई भी नहीं था और दैट्स ऑल टिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9898 डिवाइडेड बाय 101। इस आंसर में इस क्वेश्चन में देखिए कि डिफरेंसेस जो है 43815 और 44925, 1000 का डिफरेंस यहाँ पे है, हजार हजार का डिफरेंस हर जगह है, 1000 1200 का, ये वाला 42765 41594, हजार हजार का डिफरेंस है, तो 50 100 की टेंशन मत ले। इस पूरे क्वेश्चन को अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये जो नंबर है ये एक बड़ा नंबर है, ये इम्पैक्ट डाल सकता है, और इसको अगर मैं ध्यान से देखूं 444, ये देखिए पहले मैं इसको सॉल्व करके ये जो पूरा क्वेश्चन का आप कह लीजिए ये एक आपका पूरे क्वेश्चन को एग्जैक्टली आपको करना पड़ेगा। 9898 को अगर मैं 101 से मैं करता हूँ कोशिश, सीधा सीधा अगर मैं देखूँ 9 और 8 तकरीबन मेरा ये आंसर आएगा 98, इसकी वैल्यू 98 आ चुकी है, इसको मल्टीप्लाई करना है 444 से। अगर आप यहाँ पे वेरिएंस पकड़ के चलते हैं ज़्यादा, एक का भी आपने वेरिएंस लिया, अगर आपने सीधा 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका 888 का वेरिएंस आ गया, 1000 का वेरिएंस आ गया, और ऑप्शन में वैसे ही 1000 1000 का डिफरेंस है, तो आप गलत ऑप्शन टिक करके आ जाएंगे। तो ऐसी गलती मत कीजिए, एस्टिमेशन कीजिए, दिमाग लगा के कीजिए। प्लस 365 मल्टीप्लाइड बाय 3, क्योंकि इसका इसको 9 मान लूंगा और 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, माइनस 298, 4 का स्क्वायर रूट होता है जी 2, इसको ध्यान से देख लीजिए, 4 ये 12, और मतलब ये कह लीजिए कि कितना का डिफरेंस आ जाएगा इसमें। मैं इसको दूर से देख के पहचान लूंगा कि जो मेरा 1100 1100 यहाँ पे आ जाएगा, और माइनस को इसको करना 600 से, मतलब मेरा 400 मुझे प्लस और करना पड़ेगा एंड में, और ये वाला मेरा काम जो है ख़त्म होता है। अभी पहले वाले पे ध्यान देते हैं, 444 को मैं क्या करूँगा, सीधा 100 से मल्टीप्लाई करूँगा, 44 400 आ जाएगा मेरा, और फिर 444 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा और इसको माइनस कर दूंगा इससे, 444 को 2 से मल्टीप्लाई किया 888 आ गया, और सीधा सीधा मैं देखूंगा कि मतलब सीधा माइनस नहीं करूंगा मैं, 43500 के तकरीबन मैं कर लूंगा इसको माइनस, ठीक है। मतलब अगर आपने एग्जैक्टली करना है तो कर लीजिए, मैं नहीं करता, मतलब मैंने यहाँ से देख लिया जी 43400, वैसे तो मैं इतनी दूर तक भी नहीं आता, यहाँ ही से मैं देख लेता 44400 को मल्टीप्लाई 100 के पीछे 20 लगा दिए, और उसमें से तकरीबन 1000 को माइनस कर दो यार, क्योंकि 1000 का डिफरेंस आपका है, 100 200 के डिफरेंस से वेरियंस से कुछ नहीं होने वाला। 44400 में से मैं क्या करता जी 1000 मतलब तकरीबन 8 700 माइनस कर देता तो मेरा जी आ जाता 43600 मेरा आ जाता, अगर मैं अगर अपने दिमाग में एस्टिमेशन लगाता, और यहाँ से मुझे 400 को है जो जी प्लस थोड़ा सा क्या करना है 43600 मेरा यहाँ पे आ जाता, और मुझे यहाँ पे तकरीबन मुझे 400 प्लस करना है 300 400, और कह लीजिए कि 400 प्लस करना है, तो यहाँ पे जो मेरा एग्जैक्टली जो भी आंसर बन रहा है वो बन रहा है जी तकरीबन 44000, मतलब 44000 के मैं देखूंगा आसपास क्या है। अभी ये तो जो ऑप्शंस हैं ये बिल्कुल कैंसिल आउट होती हैं, और ये 44000 से तकरीबन 1000 नंबर दूर है, तो मैं 43815 को टिक करता और घर आ जाता, दैट्स इट, कोई फालतू की बात नहीं, कोई ज़्यादा वो नहीं, तो दिमाग खपाई नहीं करी हमने यहाँ पे, लेकिन कहीं कहीं किसी किसी जगह पे मुझे एग्जैक्ट आंसर निकालना पड़ा, चाहे एस्टिमेशन है कुछ भी है, एस्टिमेशन अगर हम अच्छा करते भी हैं फिर भी थोड़ा सा दिमाग यूज़ करें। अगर आपको एक सबसे क्लीन एग्जाम्पल मैं यहाँ पे मैंने पीछे करा भी था, ये वाली एग्जाम्पल अगर मैं पकड़ के चलूँ, यहाँ पे देखिए कि अगर मैंने यहाँ पे 29.63 मल्टीप्लाइड बाय 149.60, अगर इसको अगर हमने 30 पकड़ लिया और इसको 150 पकड़ लिया, आपने एक वेरिएंस तो ले लिया ना, 70 का वेरिएंस तो पकड़ लिया, अगर ये नंबर 1496 होता तो कितना डिफरेंस हो जाता, उसको भी छोड़िए, मान लीजिए कि ये होता है जी 28 और ये नंबर है यहाँ पे, एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, एक अच्छी भली एग्जांपल दे रहा हूँ, 698, अगर यहाँ पे अगर आप 30 मल्टीप्लाई बाय 700 पकड़ लेते हैं तो आपका आंसर जो है वो कितनी दूर चले जाएगा, यहाँ पे आप कह लीजिए सीधा सीधा अगर आपने
28 को जब आपने 30 करा, 698 को जब आपने 700 करा, तो आपका आंसर सिर्फ आई थिंक 50-60 नंबर दूर गया, सिर्फ कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं गया अगर आंसर में आपका 1000-1200 का डिफरेंस है। लेकिन जब आपने 28 से 30 कर लिया तो आपका तो जी आंसर तकरीबन 1400 नंबर दूर चले गया। तो आप तो आंसर से इतना दूर नहीं जा सकते। यहां पे मैं 698 को अगर आप 700 बनाते हैं तो ठीक है, ओके, लेकिन 28 को 30 बनाना इज नॉट राइट। यहां पे एक जजमेंट करना पड़ेगा, आपको अपना एक स्किल यूज करना पड़ेगा कि यार 28 को मैं 30 कैसे बना सकता हूं, नहीं बना सकते हम। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं यहां पे, अगर आप ध्यान से देखें कि जो मैंने अभी तक एग्जांपल्स दी हैं, इससे कुछ क्या क्लियर हुआ, आप पूरी इक्वेशन देखिए एक बार। इसके कुछ टिप्स हैं मेरी तरफ से। पहला टिप तो ये है कि जी पहला सारे का सारा आप क्यूब रूट का टेक्निक सीखें। क्यूब रूट का टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, स्क्वायर, दूसरा टेबल्स याद कर लें। उसके बाद एक स्किल, स्किल डेवलप होता है प्रैक्टिस से। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप उस लेवल का प्रैक्टिस लेकर नहीं आएंगे, आई मीन रेगुलर बेसिस पे इसको ट्राई नहीं करेंगे, तो आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि यार मैं 472 को 101 से अगर मैंने मल्टीप्लाई, 100 को मैं अगर ले लेता हूं जी, ये देखिए 472 था हमारा, इसमें अगर मैंने 101 की जगह, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, अगर मैंने 100 ले लिया तो मैं जी सीधा सीधा मैंने 472 का डिफरेंस पकड़ लिया। यहां पे 101 की जगह अगर 105 होता या 103 होता, 102 होता, 103 होता, तो आपका 1500 का डिफरेंस आ जाता तकरीबन, आई मीन 1400 का डिफरेंस आता। अगर यहां पे 3 होता, अगर मैं उसको 100 पकड़ के चलता, तो मेरा डिफरेंस बनता तकरीबन 1400। और 1400 का डिफरेंस, अगर आंसर में इतना 1000-1200 का डिफरेंस है, तो आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। इससे पहले मैंने एस्टिमेशन की टेक्निक आपको ऑलरेडी करा रखी है, क्यूब रूट की मैंने टेक्निक आपको करवाई है पिछले 2 दिन पहले, तो वो सारी टेक्निक्स को समझिए। यूज नहीं करेंगे क्यूब रूट को, टेबल्स नहीं याद करेंगे, तो ये माइंड में ये नहीं कर पाएंगे। और कोशिश कीजिए, पहले आप क्वेश्चन देखिए, 10 सेकेंड क्वेश्चन को पहले देखिए, हिस्सों में बांटिए कि यार ये पोर्शन जो है इसका मुझे एग्जैक्टली निकालना पड़ेगा, नहीं तो मेरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, ये पोर्शन अच्छे से निकालूंगा, बाकी तो यार अगर जो ये देखिए, यहां पे देखिए, ये मैंने 472 को अगर मैं 500 भी पकड़ लूं तो मेरा सिर्फ 28 का डिफरेंस आता है, कितना फर्क पड़ता है उससे। अगर ये जो इक्वेशन है मल्टीप्लाइड बाय 0.5, फिर उसको हाफ, ये 0.25 है, चलिए देख के पता चल जाता है। ये जो चीज है इसको अगर मैं 137 का मैं देख लूं जी, सीधा सीधा मैं चलो 30 मान लेता हूं, बहुत दूर हूं चाहे, तो फिर भी मेरे आंसर में सिर्फ 10 मार्क का डिफरेंस आया, 10 नंबर का। यहां पे ऑप्शंस बहुत दूर हैं, अगर 500 भी दूर है तो इन चीजों का कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, 30-50 पॉइंट का फर्क कुछ मैटर नहीं करता है। ये चीजें मैटर नहीं करती हैं, आप कितनी दूर से इसको कर रहे हैं तो ये मैटर नहीं करती है। मैटर क्या करता है, मैटर करता है ये वाला 472 मल्टीप्लाइड बाय 101, ये मैटर करता है। आप एक नंबर भी दूर चले गए तो 472 का डिफरेंस आपने पा लिया। तो ऐसे करते करते अगर एक क्वेश्चन में आपने 2-3 ऐसे एरर कर दिए तो आप आंसर अपना गलत टिक करके आएंगे, आपने गलत आंसर टिक नहीं करना है। चलिए आज के लिए इतना ही, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज मुझे मेल कीजिए, raman@bankexamstoday.com मेरा ईमेल आईडी है। एंड अगर आप ये पूरा कोर्स आपको सब्सक्राइब करना है, IBPS PO मेगा प्रिपरेशन कोर्स विद क्विजेज, डाउट क्लियरिंग सेशंस एंड ऑल, तो नीचे लिंक दिया हुआ है, प्लीज उस लिंक को यूज कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, इनरोल कीजिए हमारे कोर्स में, उसमें टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ अगर समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट कीजिए, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है तो मुझे मेल कीजिए, अगर कुछ लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो मेरे पास बहुत टाइम है आप सबके लिए, मैं रोजाना आप सबसे बात कर रहा हूँ, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। मैं हो सके शायद आने वाले कुछ एक दिनों में मैं अपना एक नंबर लेके व्हाट्सएप का मैं वो शेयर करूंगा, ताकि आपकी जो पर्सनल कुछ एक प्रॉब्लम्स हैं कि भाई ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, यहाँ पे प्रॉब्लम है, वहाँ पे प्रॉब्लम है, तो मैं आपकी कोशिश करूंगा कि अपने लेवल पे मैं वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व करूँ। हमारे यहाँ पे एक प्रॉपर कंपनी है,
तो बाकी के टीचर्स ज़्यादा मतलब सोशल वर्क में बिलीव नहीं करते, लेकिन अगर आपको नहीं अभी तक पता है तो जो लोग मुझे ज़्यादा देर से फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि मैं स्क्राइब्स वगैरह की बहुत हेल्प करता हूँ। अगर आप फिजिकली डिसेबल्ड हैं तो प्लीज़ मुझे कॉल करें या मुझे व्हाट्सएप करें, आपको स्क्राइब की ज़रूरत है किसी की या आपको कुछ कोर्स चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए, तो हमारा एक प्रॉपर NGO है, वी हैव अ प्रॉपर इंस्टीट्यूट, राइट, नहीं पढ़ाई वाला इंस्टीट्यूट बाकी लोगों के लिए नहीं है ऑफलाइन, लेकिन हमारा एक NGO है, तो हम उसमें जो भी फिजिकल डिसेबल्ड स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें जॉब दिलवाने में हम एक हेल्प करते हैं। अगर आप देख नहीं सकते तो फिर भी ये वीडियो को सुन रहे हैं तो भी आप प्लीज़ मुझे कॉल कीजिए, अगर आपको कुछ मस्कुलर प्रॉब्लम है, कुछ आपको आप फिजिकली डिसेबल्ड हैं तो प्लीज़ मुझे कॉल करें या मुझे मेल करें। चलिए आज के लिए इतने, और प्लीज़ IBPS PO मेगा प्रिपरेशन कोर्स के लिए ज़रूर एनरोल करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे पूछ रहे हैं कि सर इसमें क्या डिफरेंस है, डाउट क्लियरिंग सेशन जो होते हैं वो YouTube पे हम नहीं डाल रहे हैं, वो हम अपने कोर्स पे डाल रहे हैं, एंड हमारी जो स्टडी नोट्स हैं, जो वर्कबुक्स हैं, जो क्विजेज हैं, वो हम सारे कोर्स में डाल रहे हैं, बिकॉज वी नीड टू पूरे प्लेटफॉर्म को हमें चलाने के लिए वी नीड फंड्स। सो दैट्स ऑल फॉर दैट डे, कल फिर से मुलाकात होगी आपसे सेम टाइम पे, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।